होली का त्यौहार रंगों से भरा जनजीवन का त्यौहार है। इंदौर शहर में भी होली का त्यौहार काफी जोश और खुशी से मनाया जाता है। इंदौर की इस गैर की रंग की परंपरा को बरसों बरस से जीवंत बनाती आ रही है। इसी गैर के रंग को अब विश्व पटल पर उड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। दरअसल गैर को यूनेस्को के रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर इसे विश्व धरोहर बनाने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। इसके लिए प्रशासन इसके दस्तावेज, फोटो और अन्य चीजें जुटा रही है। वहीं समिति ने करीब 72 साल पुराने दस्तावेज जुटा लिए हैं। समिति की ओर से यह प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा जाएगा और इसके बाद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांस्कृतिक मंत्रालय के जरिए यह प्रस्ताव यूनेस्को जाएगा। राजवाड़ा के आसपास गैर का रूट करीब 2.5 किलोमीटर का है। प्रशासन की योजना है कि गैर देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक इंदौर आए। इसके लिए बड़े पैमाने पर गैर की ब्रांडिंग की जाए, साथ ही गैर के रूट पर मौजूद मकानों और भवनों की बालकनी और छज्जों पर ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ से पर्यटक सुविधाजनक तरीके से अच्छे से गैर का आनंद ले सके। बता दें कि शनिवार को गैर को सांस्कृतिक धरोहर घोषित कराने का काम कर रही समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक का सुझाव आया कि देशी विदेशी पर्यटकों के लिए गैर के साथ 3 दिन तक उत्सव मनाया जाना चाहिए। पर्यटन के लिए पैकेज बनाया जाए जिसमें महू, ओंकारेश्वर, महेश्वर और उज्जैन को भी जोड़ा जाए। बैठक में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव, निगम आयुक्त आशीष सिंह, जिला पंचायत CEO नेहा मीणा के सुझावों को सुना व अमल का आश्वासन दिया। समिति के विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर उषा जैन और डॉक्टर नमिता कार्जू ने कहा कि गैर को यूनेस्को भेजने का प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।